वेलकम बैक टू माई चैनल, गुड मॉर्निंग। सो अभी वेट किया जा रहा है ऑटो के आने का, सुबह हो चुकी है एंड आई एम रेडी। सो देखते हैं कब तक आ पाता ऑटो एंड विल सी यू बाय। फाइनली इन ऑटो एंड अब हम जा रहे हैं अगर कहीं ठीक रहा। आगरा कैंट मैं दिखाता हूँ सामने क्या हो रहा है। ये देखो भाई, बहुत भयंकर ठंड है भाई। आज ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ ज़्यादा ठंड लग रही है भाई। लोग बड़े आराम आराम से ढोल रहे हैं यहाँ पे, और आई थिंक ये एंगल सही रहेगा। मतलब थोड़ा सा वाइट कम है मेरा कैमरा, बट काम चलाने लायक है। हमारी ट्रेन है 7:55 की, तो अभी 7 ही बज रहा है, 7:30 हो रहा है। तो अभी आधे घंटे वेट करते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं इधर उधर, क्योंकि ऑन टाइम भी पहुँचना सही नहीं है, थोड़ा सा पहले पहुँचना चाहिए। तो आपको स्टेशन पे मिलता हूँ सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। मैं निकल पाऊँगा? ओ निकल गया, निकल तो गए फाइनली। चलो ये आगरा छावनी हमारा स्टेशन, पहला वो ब्लॉग शूट हो रहा है, तो एकदम से प्रोफेशनलिज्म मत लेके आना, ठीक है? कि भाई ये खराब वो खराब है, काम चलाओ। ऐसे धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट करेंगे अपन। भाई जाने वाले तो हैं ही नहीं हम, तो मतलब अकेले दिख रहे हैं यहाँ पे। और भाई भीड़ का तो कुछ हो ही नहीं है। हमारी जो ट्रेन है वो D1 है शायद उसका डिब्बा, तो वो है बिल्कुल आगे इंजन के बगल में बिल्कुल। वो पता नहीं क्यों मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, पहली बार ऐसे शूट कर रहा हूँ कुछ भी। कुछ ही समय सब देख रहे हैं मुझे। भाई जब भी स्टेशन पे आओ तो उनका जो रेल वायर वाईफाई है ना, उसका फ़ायदा उठाना मत भूलना, बहुत काम की चीज़ है। 1 GB देते हैं पर काम आता है। अपनी जो ट्रेन नंबर है वो है, ट्रेन नंबर तो नहीं पता, पंजाब मेल है हमारी ट्रेन, जो अभी 7:55 पर आने वाली है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ब्लॉगिंग करना बड़ा हार्ड होता है, तो बट एक चीज़ है कि मतलब कैमरे की तरफ देखते रहो तो मतलब तुम भूल जाते हो लोग भी है तुम्हारे आस पास। तो या क्वाइट सिंपल, बट वही है थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है पहले पहले। हाँ होपफुली नहीं होगा। देखो आज हम बिल्कुल गरम गरम पहन के आए हैं सब कुछ। ये है माहौल, ये भाई साहब अपना फ़ोटो खींचने में लगे हुए हैं बहुत देर से। एंड ऑल्सो ये अपनी ट्रेन पंजाब मेल, 8:10 दिखा रहा है इस पर। मेरे साथ हो गया पोपट, हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और मैं खड़ा था प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो भाई अभी देख लिया मैंने, तो बच गया। अब देख रहा हूँ स्क्रीन पर, तो उस पर दिखा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1, वो पहले दिखा रहा था प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो लौट के जाना पड़ेगा। फाइनली ट्रेन आ गई है अपनी, दिखाता हूँ आपको घूम कर। इस ट्रेन में मैं आज से 4 साल पहले भोपाल के लिए ट्रैवल किया था, उस टाइम पे भी इतनी ही भीड़ थी यहाँ पे जितनी की अब है। तो फाइनली गाइस ट्रेन तो आ गई भाई। चलो अपना कोच देखते हैं, कोच कौन सा है अपना? D1 है अपना, D1 आई थिंक D1 यही है। यस D1 इट इज़। चलो भाई D1 है आगे वाला अपना। अरे बढ़ते जाओ आगे, बढ़ो। अभी अपन आ गए हैं और दिखाता हूँ नज़ारा क्या है। कई बार का जनरल है बिल्कुल, जनरल डिब्बे में सफ़र कर रहा हूँ मैं। तो गाइस फाइनली रीच्ड ग्वालियर, ग्वालियर पहुँच गए हम। यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एग्जिट लेंगे, ऑटो पकड़ेंगे और जाएंगे अपने रहने वाली व्यवस्था की तरफ। क्योंकि भाई ऑटो ऑटो कैसे ढूंढा जाए, तो ऑटो देखने का जुगाड़ देखना पड़ेगा। हमको जाना है पता नहीं कौन सी तजिया वजिया, जाना हमको तो वहाँ पे। ऑटो देख रहा हूँ मैं, ऑटो नहीं मिल रहा है, क्या करा जाए। फंस गए बहनचोद। ऑटो वाले ने पता नहीं कहाँ छोड़ दिया मुझे, और आगे आ चुका हूँ मैं अपने होटल से। तो पैदल पैदल जा रहा हूँ अभी गूगल मैप्स से देख के। यहाँ से आधा किलोमीटर है वो लोकेशन, होटल पहुँच के बात करता हूँ। देखो आप कहाँ पर है होटल भाई, पतली पतली गलियों में से। होटल में तो आ गया हूँ मैं, बट रिसेप्शन तो कोई नहीं था, क्या कर सकते हैं। किसी को बुलाया है वो टेम्परेरी रूम दे रहा मुझे, उसके बाद देखेंगे।
अभी देखते हैं वगैरह, शाम को एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज मेरे को निकलना भी। सो गाइस फाइनली आ गया मैं रूम के अंदर, लाइट्स ऑन कर देते हैं। लाइट ही नहीं आ रही, देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। एक सेकेंड, तो गाइस इसमें लाइट्स हो गई, आ गई लाइट। अब थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, उसके बाद चलेंगे खाना एक्सप्लोर करने। इस रूम कुछ ऐसा है, डिसेंट है, काम चलाने लायक है। सो आप गए यार, चार फ्लोर हैं, तो तैयार होता हूँ, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। गाइस वेलकम बैक। तो निकल आए हैं सीट्स पे, अभी पता नहीं कहाँ पर हूँ मैं, तो पहले देख रहा हूँ पोहा या फिर कुछ कचौड़ी वगैरह का कवर करने का। फिर हम जाएंगे आशुतोष भाई से मिलने, इनका इंस्टाग्राम हैंडल है ग्वालियर फूस्टर्स। फिर वहाँ पे हम कुछ केजरीवाल टाइप के से एक अंकल हैं, तो उनसे रूबरू होंगे। हो गया यहाँ पे वीडियो, और भाई मज़ा आ गया कचौड़ी खा के लिटरली। और भाई लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, खिलाने वाले भी बहुत अच्छे हैं और खाने वाले भी, और भाई खाना तो अच्छा है ही यहाँ का। हेलो गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं मोहिनी के, मोहिनी गजा के नमकीन वालों पर ग्वालियर में। तो यहाँ पे शूट चल रहा है अपना, तो एज यू कैन सी पूरा सब कुछ मेकिंग वगैरह है इधर। एंड फॉर द वीडियो यू हैव टू फॉलो गरी पांडा ऑन माई इंस्टाग्राम, और ब्लॉग के लिए तो ये है ही है। ओके गाइस, तो अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर, तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको क्या चूतिया हो रहा है। सो देयर इज दिस वन, ये ब्लू शर्ट में दिख रहा ना आपको, इतना अनोइंग है भाई। मैं वीडियो बना रहा था अपना, अच्छा खासा आराम से बना रहा हूँ, फिर भी उंगली करने आ गया फिर पापा, मैं पहले बना लूँगा, मैं ये कर लूँगा भाई। और जैसे वो फूड ब्लॉगर होते हैं ना बिल्कुल क्रिंजी वाले, बिल्कुल भैया ये क्या डाला आपने, भैया ये तो नमक है, वैसा वाला उस टाइप का है। तो ठीक है, ये भी एक्सपीरियंस है, होते हैं कुछ नमूने दुनिया भर। हेलो गाइस, अनफॉर्चुनेटली मेरे फ़ोन में स्पेस बहुत कम था, तो बाकी का शूट नहीं हो पाया, नहीं तो। एंड बहुत अच्छा लगा पहली बार ब्लॉग करके। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आने वाले ब्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब कर लो।